फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार चपले कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चपले कबाब बहुत ही फेमस कबाब है, जो कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम चीज़ों में बनकर तैयार हो जाती है। इस कबाब को आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चपली कबाब। कबाब बनाने के लिए हमें दरदरा पिसा हुआ कीमा चाहिए होगा। मैंने हाफ के जी मटन का कीमा लिया है और इसमें अपने टेस्ट अकॉर्डिंग नमक शामिल करना है। नमक डालने के बाद हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर डालना है, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर डाल लेना है, साथ में हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डालनी है, 1 टेबल स्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया लेना है, हाफ टेबल स्पून अजवाइन लेनी है। अजवाइन को अच्छे से रब करके इसमें डालना है। चपले कबाब में अजवाइन ज़रूर शामिल कीजिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। साथ में 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है मैंने और इसे बारीक चॉप कर लिया है, या इसे आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। जितना बारीक चॉप करेंगे कबाब में उतना अच्छा टेक्सचर आएगा। साथ में 1 छोटे साइज़ की टमाटर लेनी है और इसे भी छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेना है और इसमें शामिल कर लेना है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर लेनी है। और अब कीमे में हमें बेसन ऐड करना है, तो बेसन को ऐड करने से पहले इसे ड्राई रोस्ट कर लीजिए और 3 टेबल स्पून इसमें हम बेसन ऐड कर लेंगे। और अब इसमें हम 1 अंडा डाल लेंगे। और अब इसमें हमें गरम मसाला ऐड करना है, तो मैंने 1/2 टेबल स्पून घर का बना हुआ गरम मसाला ऐड किया है। और फिर इन सब चीज़ों को हमें हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे इंग्रेडिएंट को, ताकि सारे मसालों का फ्लेवर कीमे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अनारदाने का पाउडर ऐड करना है। अनारदाना आप इसमें ज़रूर शामिल कीजिए, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और फिर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे। कीमे को 10 मिनट तक मैंने रेस्ट करने छोड़ दिया था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे आधे घंटे भी छोड़ सकते हैं। और अब इस तरह का एक प्लेट लेना है हमें और इस पे तेल लगा लेना है, ताकि जब हम कबाब बनाएं तो उसकी शेप अच्छे से आए। फ्रेंड्स, चपले कबाब की साइज़ नॉर्मल कबाब से थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए हमें इसे प्लेट पे बनाना पड़ता है ताकि इसकी शेप अच्छे से आए। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे चपली कबाब को बनाकर एक साइड रख लेना है, ताकि फ्राई करने में हमें आसानी हो। ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है इसकी। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप प्लेट के ऊपर फिर से तेल लगाइए और फिर हाथ में थोड़ा कीमा लीजिए और कबाब की शेप दे दीजिए। फ्रेंड्स, आप इस तरह की शेप प्लास्टिक के बैग पे भी बना सकते हैं। प्लास्टिक अगर आपके पास है तो उसके ऊपर आप तेल लगाइए और फिर इस तरह से कबाब की शेप दे दीजिए। अब कबाब को हमें फ्राई करना है, तो फ्राई पैन में मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद अब इसमें हम कबाब को हल्के हाथों से डालेंगे और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है और 2 से 3 मिनट तक इसे हमें एक साइड तक फ्राई करना है। कबाब हमारा एक साइड तक फ्राई हो चुका है, इसका आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब इसे हमें फ्लिप कर लेना है और फिर दूसरे साइड से भी 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कबाब हमारा दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है, तो बस इसे अब हमें निकाल लेना है और फिर इसी पैन में हम दूसरे कबाब को भी फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम रखनी है और लो टू मीडियम फ्लेम पे एक साइड 2 मिनट के लिए, फिर दूसरे साइड 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है और फिर निकाल लेना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म चपली कबाब बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी, नींबू और प्याज के साथ। चपले कबाब बनाना बहुत ही आसान होता है और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी इस रेसिपी को आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और देखिए ये सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगा। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी,
प्लीज़ हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।